क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. इफ डायगनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. अब देखो यहाँ पर हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, यानी कि जो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी दे रखा है ये हमारा सर्कल के अंदर है, ठीक है. और इसके अंदर हमें जो दो डायगनल्स दे रखे हैं ए सी और बी डी, ये इस सर्कल के डायमीटर्स भी हैं. तो हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है एक रेक्टेंगल है. तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम बताएंगे कि जो ए सी है वो इक्वल है बी डी के, क्योंकि ये इस सर्कल का डायमीटर्स भी हैं. डायमीटर ऑफ सेम सर्कल इक्वेशन फर्स्ट हो गई. अब हम देखें अगर ओ को ए से, ओ ए ओ बी ये क्या है, इस सर्कल के दो रेडियस हैं. इसी तरीके से ओ सी और ओ डी भी इस सर्कल के रेडियस है, तो ये आपस में इक्वल हैं. अब हम देखें कि ओ ए इक्वल है ओ सी के. ये जो हमारा पूरा अगर हम देखें ओ से लेके ए तक, ओ से लेके सी तक, ये दोनों जो हैं इस ए सी के हाफ है, ओ ए भी हाफ है ओ सी भी. इसी तरीके से ओ बी और ओ डी जो है पूरे बी डी के हाफ है, ठीक है. वो हमने यहाँ लिख दिया, सेकेंड इक्वेशन हो गई. हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जब दोनों देखते हैं तो डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, सो ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल. तो इस हमारे क्वाड्रिलेटर के अंदर हमारे जब डायगनल्स इक्वल होते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं, तो फिर ये जो है सो ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल. तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा एक रेक्टेंगल भी है, ठीक है. तो ये क्वाड्रिलेटर क्या है फिर, हमारा रेक्टेंगल है. क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि जब किसी क्वाड्रिलेटर में दो डायगनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटर हमारा रेक्टेंगल होता है. सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है. क्वेश्चन 8 है, इफ द नोन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक. अब हमें यहाँ पर जो है क्या दे रखा है, एक नोन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम, यानी कि इसके अंदर अगर हम इस ट्रेपेजियम को देखें, इसके अंदर देखो जो ए बी और सी डी हैं ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है. अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे ये दोनों पैरेलल साइड है, लेकिन अगर हम ए डी और बी सी को देखें तो ये नॉन पैरेलल साइड है, क्योंकि अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये आगे जाके मिल जाएंगे, ठीक है. तो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, पैरेलल नहीं है. तो कैसा ट्रेपेजियम है, इसके अंदर नॉन पैरेलल साइड्स हैं. एक तो हमारी पैरेलल साइड है ए बी के पैरेलल है सी डी, लेकिन जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, इक्वल है, ठीक है. ये चीज़ समझ आ गई हमें. ये यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो है एक साइक्लिक, ठीक है, ये एक साइक्लिक है. प्रूफ दैट इट इज़ अ साइक्लिक ट्रेपेजियम. तो हमें यहाँ पे गिवन जो है पहले हम वो लिख लेंगे, अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी इक्वल बी सी. प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है. इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ से हमने डी ई जो है ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया है, यहाँ पे सी एफ जो है वो ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया कि डी परपेंडिकुलर ए बी, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी. उसके बाद हमारे सामने दो ट्राइंगल आ जाते हैं, एक आ जाता है हमारा डी ई ए, दूसरा आ जाता है सी एफ बी. ये दो ट्राइंगल आ गए. अब इन दोनों ट्राइंगल को हमने यहाँ पे क्या शो करना है, यहाँ पे हमने कॉन्क्रेंट जो है इसको शो करना है. तो एंगल ई जो है एंगल एफ के इक्वल है, क्योंकि ईच ऑफ 90 डिग्री. ए डी इक्वल है बी सी के, हमें क्वेश्चन में गिवन था. अब जो डी ई है वो पैरेलल है सी एफ के. क्यों पैरेलल है, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल. जो दो पैरेलल लाइंस होती है, जैसे कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये दो पैरेलल लाइन के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है. इसलिए जो है यहाँ पे हमने लिखा है डी इक्वल सी एफ, उसका रीज़न ये लिख दिया. तो यहाँ पे आर एच एस रूल से हमारे ये जो ट्राइंगल्स हैं कॉन्करेंट शो यहाँ पर हो जाते हैं. तो जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट शो हो जाते हैं तो एंगल ए इक्वल हो जाता है एंगल बी के. एंगल वन हमारा ये है, इक्वल हो जाता है एंगल टू के बाय सी पी सी टी, ठीक है. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है. आगे हम देखते हैं इसमें फोर इक्वेशन फर्स्ट. अगर हम जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था कि एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है. अब यहाँ पर क्या है, एंगल वन में हम 90 डिग्री ऐड कर देंगे, एंगल टू में भी 90 डिग्री. अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो इधर भी हमारा 90 डिग्री होगा, इस साइड ये हमारा 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा. तो दोनों साइड एंगल वन में 90 डिग्री ऐड कर देंगे, एंगल टू में 90 डिग्री ऐड कर देंगे. जब इसमें हम ये एंगल ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा एक एंगल बन जाएगा. इसी तरीके से जब एंगल टू में हम ये सी ये वाला एंगल ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा हमारा एक ये एंगल बन जाएगा. 90 डिग्री का मतलब यहाँ पर क्या है, ई डी सी वो हमने ऐड कर दिया. इस 90 डिग्री का मतलब है
एफ सी एफ सी डी, ये इनको जब हमने ऐड कर दिया पूरा का पूरा क्या बन गया, ए डी सी ऐड करने के बाद, और इसको ऐड करने के बाद हमारा ये बन जाता है बी सी डी, ठीक है। और ये जो है इसके इक्वल है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो एंगल डी है वो इक्वल है एंगल सी के। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर हम देखें तो ए एंगल जो ए है वो बी के इक्वल है, एंगल डी जो है एंगल सी के इक्वल है। अब यहां पर हम देखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, यानी कि जो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यहां पर हमने लिखा था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो हम एंगल ए की जगह एंगल बी लिख सकते हैं। यहाँ पे डी जो है सी के बराबर है, तो सी की जगह डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो एंगल बी आ गए और दो ही एंगल हमारे डी आ गए इक्वल 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा टू कॉमन आ जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, उसको हम टू के टेबल से कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो क्वाड्रिलेटर होता है इसका जो हमारा ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, जैसे कि हमने हमारा यहाँ पे निकला एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो जब हमारा ये इक्वल्स यानी कि हमारे दो एंगल का सम जो ऑपोजिट एंगल है उनका सम जब 180 डिग्री निकल आता है, तो इट मींस जो हमारा एबीसीडी है, सो एबीसीडी ट्रापेजियम इज अ साइक्लिक, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर हमारा ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है तो वो हमारा एक साइक्लिक ट्रापेजियम है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 9 देखेंगे, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन एट टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली, सी फिगर प्रूव दैट इज एंगल ए सी बी इक्वल एंगल क्यू सी डी। अब देखो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, दो सर्कल है, अभी जो दो सर्कल है एंगल, ये जो दो सर्कल है दो पॉइंट पे एंगल सॉरी पॉइंट बी और पॉइंट सी पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमें दे रखा है। अब ये जो पॉइंट बी है इसके थ्रू एक लाइन सेगमेंट जा रहा है एडी, और इसी तरीके से यहां पर जो है यही इसी बी से एक और लाइन सेगमेंट जा रहा है पी क्यू, ठीक है। अब जो हमारा एडी जो है जो लाइन सेगमेंट है उससे हमारे सर्कल पे दो और पॉइंट बन जाते हैं एडी, और पी क्यू से जो हमारा लाइन सेगमेंट है इससे हमारे सर्कल पे दो और पॉइंट बनते हैं पी एंड क्यू, ठीक है। हमें इसके अंदर ये प्रूफ करना है कि जो एंगल ये सी है ए सी पी, ये वाला एंगल इक्वल है क्यू सी डी के, यानी कि ये एंगल ये जो आपस में है ये दोनों इक्वल है। हम इसको समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसमें यहां पर हमारी एक कोड है, ये हमारी कोड है। अब इस कोड से हमारे जो है एक जो है एंगल हमारा बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा, तो ये हमारा एक यहां पर एक एंगल बन गया। अब इसी कोड से हमारा एक दूसरा एंगल बनेगा ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एंगल बन गया। अब इस कोड के अगर हम देखें तो कोड के ये जो हमारा मेजर सेगमेंट है ये, और ये हमारा माइनर सेगमेंट है, तो मेजर सेगमेंट पे देखो ये दोनों एंगल मेजर सेगमेंट पे, यानी कि सेम सेम साइड पे हैं, तो यही चीज लिखिए कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि ये सेम किस पे है, एंगल जो है हमारे सेम सेगमेंट पे, यानी कि ये दोनों एंगल मेजर सेगमेंट पे है, तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल। यही चीज देखो यहां पर भी है। अब एंगल अगर हम इसकी बात करें इसको प्रूफ करने के लिए कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम बता रहे हैं कि जो ए सी हमारा जो ए ए सी पी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है ए बी पी के, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसी तरीके से क्यू सी डी इक्वल है क्यू बी डी के, क्योंकि ये भी सेम सेगमेंट पे बने हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख देनी है इक्वेशन वन इक्वेशन टू में। थर्ड इक्वेशन में देखेंगे कि ये जो हमारा एंगल है ए बी पी यानी कि ये वाला एंगल क्यू बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो जब तीनों इक्वेशन देखते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, उससे हमारा प्रूफ होता है कि जो एंगल ए सी एंगल ए सी बी है इक्वल है एंगल क्यू सी डी के। कैसे हमारा प्रूफ हो जाता है, इन तीनों इक्वेशन को देखने के बाद जब हमने देखा कि ये एंगल इसके इक्वल है ये एंगल इसके इक्वल और ये दोनों आपस एंगल जो है आपस में इक्वल है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये वाला जो एंगल है ए सी बी इक्वल है क्यू सी डी के, यानी कि ये दोनों भी इक्वल है। अब कैसे इक्वल है देखो,
अब हमने देखा कि ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, ठीक है। तो जब ये और ये आपस में भी इक्वल है, तो जब जब ये दोनों जो है सेम चीज के इक्वल है, तो ये भी तो आपस में इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये जो है सेम चीज के इक्वल होने की वजह से ये दोनों भी जो है आपस में इक्वल है। ये तीन इक्वेशंस की वजह से हम कह सकते हैं कि जो एसीबी है इक्वल है क्यूसीडी के, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 है, इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ आ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइन ऑन द थर्ड साइड। देखो यहां पर हमें बोला गया कि ये दो सर्कल है, ठीक है, और ये दो सर्कल जो है अगर हम बड़े वाले सर्कल को यहां पर देखें, एक ये और एक यहाँ पे हमें छोटे वाला सर्कल दे रखा, तो बड़े वाले सर्कल के अंदर जो ए बी है वो डायमीटर है और छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है ए सी, ठीक है। हमें प्रूफ ये करना है ये दोनों सर्कल जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और डी के ऊपर, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो डी है वो बी सी के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि बी सी के ऊपर डी पॉइंट आ रहा है, ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हमारे दो पॉइंट है इंटरसेक्शन, ये दो हमारे इस एक बड़े वाले सर्कल का एक छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले ये प्रूफ करना होगा कि ये एक लीनियर पेयर है, क्योंकि लीनियर पेयर जो है वो स्ट्रेट लाइन पे बनता है। जब ये हमारा शो हो जाएगा कि बी सी एक स्ट्रेट लाइन है तो डी उसके ऊपर लाई कर रहा है, ये हम इसको इजिली प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, पहले तो जो गिवन है हम वही लिखेंगे, टू सर्कल्स आर ड्रॉन विथ साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ आर ट्राइंगल ए बी सी एज डायमीटर। ए बी सी देखो यहाँ पर ए बी सी, जैसे आपको बताया कि ए बी और ए सी दो डायमीटर हैं, द सर्कल इंटरसेक्ट एट डी, और डी के ऊपर जो है ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डी जो है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है बी सी के ऊपर, तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ए को हमें डी से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी बी हमारा है 90 डिग्री, कैसे है, देखो ये जो है ए बी हमारा क्या है, एक डायमीटर है इस बड़े वाले सर्कल का, तो जो डायमीटर होता है सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि ये सेमी सर्कल है, इधर भी सेमी सर्कल है, इधर भी सेमी सर्कल है, इस डायमीटर से ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। तो सेमी सर्कल के अंदर जो हमारा ट्रायंगल होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि ए डी बी इक्वल है 90 डिग्री, इसका रीज़न लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी कि जो सेमी सर्कल के अंदर एंगल होता है वो हमारा राइट एंगल होता है। इसी तरीके से अगर हम इस साइड देखें तो ए सी इसका जो है डायमीटर है, जिसकी वजह से ये जो है हमारा सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल के अंदर डी जो है वो हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल ए डी सी इक्वल 90 डिग्री सेकेंड इक्वेशन इक्वेशन है, सेम रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जब हम देखेंगे और आपस में इनको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा आएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, सेकेंड ये है, तो ए डी बी भी 90 है, एंगल ए डी सी भी 90 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। हमने क्या कहा था कि अगर हम इस पे ये जो हम अगर ये जो है एंगल, ये जो डी है, ये अगर हम इसको लीनियर पेयर शो करते हैं, लीनियर पेयर हमारा 180 डिग्री का होता है और हमारा स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है, अगर ये हमारा 180 डिग्री है तो इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है और ये इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो जब हमने 90 प्लस 90 किया तो हमारा 180 डिग्री आ गया, यानी कि जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारा बना बी डी सी इक्वल 90 डिग्री। हमारा क्या था, ए डी बी 90, ए डी सी 90, ठीक है, और इन दोनों 90 को हमने प्लस किया तो हमारा आया 180 डिग्री बी डी सी, ये बी डी सी हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ गई। सो बी डी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, हैंस डी लाइज ऑन बी सी, जैसे कि हमारे प्रूफ होता है कि जो डी है वो बी सी के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर है। अब हम 11th क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन है हमारा ए बी सी एंड ए डी सी। अब इसके अंदर हमें ए बी सी और ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेनियस ए सी, प्रूफ डैट एंगल सी ए डी इक्वल एंगल सी बी डी। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, यहाँ पर हमें बोला गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है,
एबीसी और एडीसी, ठीक है, दो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं और दोनों ट्राइंगल जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है, टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेनियस, इनका जो हाइपोटेनियस है वो कॉमन है एसी, ठीक है, एसी इनका कॉमन हाइपोटेनियस है और दोनों जो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं ये 90 डिग्री के राइट एंगल ट्राइंगल है। प्रूव ये करना है कि जो एंगल सी ए डी यानी कि सी ए डी ये वाला एंगल, सी बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल हैं, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। गिवन हमें है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी आर द राइट एंगल ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेनियस ए सी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा कि जो हमारी यहाँ पर डायामीटर ए सी दे रखा है, ड्रॉ हमने क्या करा, ड्रॉ अ सर्कल विद ए सी एज अ डायामीटर, हमने सर्कल ड्रॉ किया उसमें हमारा ए सी हमने डायामीटर ड्रॉ किया, पासिंग थ्रू बी एंड इन ज्वाइन बी डी जो कि बी और डी से होके निकल रहा था और फिर हमने बी और डी को भी आपस में ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कर दी। कंस्ट्रक्शन करने के बाद बहुत सिंपल है, आपको सिंपल लिखना है इसको प्रूफ करने के लिए कि जो हमारा एंगल सी ए डी है ये वाला एंगल जो हमें प्रूफ करना है सी बी डी के इक्वल प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी कि सी ए डी और एंगल सी बी डी इक्वल हैं, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, वो हमने यहाँ लिख दिया। प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे बाय कोड सी डी, किससे प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, कैसे प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, बाय कोड सी डी, सी डी से प्रूफ हो रहा है क्योंकि ये कोड है, इस कोड के जो इधर ये जो हमारा है ये मेजर सेगमेंट है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट के सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, आपको पहले भी बताया था, हमने पहले क्वेश्चन भी किया था और इंट्रोडक्शन भी बताया था। तो ये सेम सेगमेंट पे बने हुए हमारे एंगल्स हैं इसलिए ये जो है हमारे वो इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे एंगल सी ए डी इक्वल बाय एंगल सी बी डी, एंगल्स मेड बाय कोड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, तो इसका सिर्फ यही रीज़न लिखना है, बहुत ही सिंपल है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बस आपने वो अच्छे से समझ लेने कि किस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है, और हर एक पॉइंट जो है आपको इसमें लिखना है, ये कंस्ट्रक्शन जो आपने करी है वो भी आपको इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। प्रूफ करना है हमें, प्रूफ डाटा साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, जो हमें यहाँ पे एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दे रखा है ये एक रेक्टेंगल भी है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम ये हमें दे रखा है, प्रूफ ये करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सिंस ए बी सी डी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम, कि ये जो हमारा ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, सो एंगल ए इक्वल एंगल सी सॉरी एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, यहाँ पे इक्वल है हमारे 180 डिग्री। जैसे आपको मैंने पहले क्वेश्चन में भी समझाया था कि जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, कि ये पैरेललोग्राम भी हमारा क्वाड्रिलेटर होता है ना, तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ए का ऑपोजिट है सी, ठीक है, तो इनका सम हुआ 180 डिग्री, इसलिए लिखा सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल एंगल सी, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये जो है वो इक्वल है और इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो जब ए सी के इक्वल है तो हम सी की जगह पे ए लिख सकते हैं, है ना, सी की जगह पे हम ए लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो गया, 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल दो ए हो गए ना, तो टू एंगल ए इक्वल 180 डिग्री, मल्टीप्लायर हो इधर के डिवाइड हो जाएगा, टू से कट जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए, क्योंकि हमारे ए और सी जो है वो इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वल भी है। तो अगर हमारा एंगल ए 90 डिग्री निकल आया तो एंगल सी भी 90 डिग्री है क्योंकि दोनों इक्वल है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम देखें एंगल बी और डी को, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री, और एंगल बी और डी आपस में इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हमने ऊपर किया सेम वैसे हम इसको अब नीचे भी यहाँ पे करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि देखो एंगल बी प्लस एंगल डी था तो जब दोनों इक्वल है तो हम डी की जगह बी लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, तो ये मल्टीप्लायर इधर का डिवाइड हो गया, कट करने के बाद 90 आ गया, एंगल बी 90, दोनों इक्वल हैं तो एंगल बी भी 90, एंगल डी भी 90 डिग्री। और जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका जो ईच एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है,
90 डिग्री का होता है। तो एंगल ए बी सी डी, चारों एंगल हमारे कितने डिग्री के हो गए यहाँ पे, 90 डिग्री के हो गए। सिंस ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 90 डिग्री, दस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, इसलिए वो हमारा एक रेक्टेंगल भी है। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज चैप्टर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।